हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, मैंने इससे पहले पार्ट वन बनाया, अभी ये पार्ट टू बना रहा हूँ। पार्ट टू की वीडियो में देखेंगे बकरी कैसी आए, क्या है और क्या रेट चल रहा है, तो देखेंगे। अभी चलो अंदर चलते। तो दोस्तों, ये बकरा भी अच्छा है, क्वालिटी में अंडुल बकरा है। भाई, ये 32 नस्ल का देख सकते हो। तो माशाल्लाह गाइस, ये गुलाबी में गाइस बकरा देखने को मिला है। अच्छी क्वालिटी में इसकी मार्बल सींग देख सकते हो। और भी इसके अंदर अजमेरा सूरी नस्ल के बकरे है। माशाल्लाह गाइस, देख सकते हो यहाँ पे भी हैवी वेट वाला बकरा देखने को मिला है। 80 बकरा, इसका 90 केजी वजन हुआ। तो गाइस, बाड़ा नंबर 30 में आया, देख सकते हो मैं यहाँ पे 80 बकरे बोले गाइस। पब्लिक नहीं है, एकदम क्राउड कुछ भी नहीं है, पब्लिक है नहीं, जानवर ही है अभी। 32 नस्ल का माशाल्लाह बकरा देख रहा हूँ मेरा। तो गाइस, मैं अभी आगे जा रहा हूँ, धक्का गेट के द्वारा आगे जाके आपको बताता हूँ वीडियो। तो माशाल्लाह गाइस, क्या बकरा देखने को मिला। गाइस, ऐसी बकरे बहुत कम देखने को मिला था। ये 100 केजी के ऊपर हुआ गाइस, ये ऐसी बकरे बहुत कम देखने को मिलते। गाइस, ये बकरा इतना बड़ा है, मेरे मोबाइल भी नहीं आ रहा है। ऑनलाइन परवाना घेणे आवश्यक आहे। गाइस, 1 लाख तो बोलेंगे। बड़ा बकरा देखने को मिला है, उसका प्राइस 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 100 केजी के ऊपर हुआ है, 150 किलो से 150 केजी का है गाइस। 2 लाख रुपए कोट कर रहे हैं इसका। भाई, पंजाबी बकरा देखने को मिला इधर, 1,70,000 रुपये बकरा है, 100 केजी के ऊपर ही है गाइस। ऐसी चीज़ बार बार देखने नहीं मिलती है, देवनार के दिन ही, ईद के दिन ही ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो गाइस, अच्छे वेट में गाइस है इसका, 1,70,000 रुपये मांग रहे। ऐसी चीज़ खाली बकरा ईद के दिन ही, ईद के टाइम ही सीजन में देखने को मिलती है, ऑफ सीजन में ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा बकरा है, वीडियो में भी नहीं आ रहा है जो प्राइस मांग रहे। तो गाइस, बाड़ा नंबर 270 में आया हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ पे भी करौली कोटा के ज्यादा बकरे हैं। करौली कोटा के चारा खा रहे हैं। चलो आगे दिखाता हूँ आपको। और तो गाइस, मालवा बकरा देखने को मिला है, मालवा अंडुले फुल गुलाबी में। तो गाइस, 1,30,000 रुपये मांग रहे हैं इसका। अंडुल बकरा है, अच्छे हैवी वेट में देख सकते हो। अंडुल बकरे यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी में। और ये चॉकलेटी नैनू ने दी, दाम पर पूछ लूँ सर, वीडियो करो सर। अच्छी मालवा क्वालिटी में गाइस, अच्छी अच्छी क्वालिटी में गाइस बकरे, बाड़ा नंबर 283 में, मालवा में है गाइस। 1,30,000 रुपये मांगे देख सकते हो, क्वालिटी में बकरा है गाइस। अभी इसका क्वालिटी में बकरा है देख सकते हो। बाड़ा नंबर 269 में आया गाइस, देख सकते हो यहाँ पे करौली कोटा के बकरे हैं, अंडुल बकरे इसमें पूरे। बकरा सोया हुआ है, थक गया है जानवर। भाई, एक अंडुल बकरा देखने को मिला है गाइस। क्या मांग रहे हैं इसका भाई? 42,000। अंडुल बकरा है फुल गरम, इसके अंदर बर्बरी बकरे भी गाइस देख सकते हो। 42,000 मांग रहे हैं इसका। एक बर्बरी का बच्चा है गाइस सामने देख सकते हो। बाड़ा नंबर 287 में
चलो आगे देखते हैं। अभी गाइस देख सकते हो यहाँ पे हैवी वेट बकरे है, गाइस सस्ती बकरे हैवी वेट वाले अभी सो रहे जानवर, थके हुए गाड़ी से आते हैं ना गाइस तो सो जाते हैं लोग। चलो आगे देखते हैं और बताता हूँ आपको। तो गाइस एक बाड़े में आया हुआ देख सकते हो, वहाँ पे अजमेर और सुरोही नस्ल के बकरे हैं। बाड़े नंबर 290 में भी जानवर रात में थके हुए जो गाड़ी से उतरते ना गाइस तो सो जाते हैं। सब अजमेरा सुरोही नस्ल के बकरे इसके अंदर। चलो आगे देखते हैं और बताता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हो अंडूल बकरा देखने को मिला है, क्या मांग रहे इसका? अच्छा गाइस व्यापारी नहीं है इसका, इधर गया है व्यापारी। देखो अंडूल बकरा देखने को मिला था और भी इसके अंदर है ज्यादातर गाइस ये बार ना राजस्थान से बकरे अजमेरा सुरोही नस्ल के ज्यादा आए है। तो गाइज अभी बकरे उतरे तो दम प्यासे है, पानी पी रहे देख सकते हो, पानी कैसे पी रहे तो प्यासे बकरे। उठ जा भाई बकरे पानी पीने दे। गाड़ी से उतरे गाइज तो पानी पी रहे गाइज सोजत मालवा सोजत नस्ल के समय ज्यादा है टकले बकरे पूरे। तो गाइस अजमेर नस्ल में देखने को मिला बकरा, अंडूल बकरा है ये 90 kg का हुआ गाइस है। क्या मांग रहे हैं भाई इसका? बड़े बड़े अंडूल देखने को मिले गाइस। अभी कोटा बकरा दिखाता हूँ आपको मैं, फुल गर्म है गाइस है। और एक ये बकरा देखने को मिला गाइस जमुनापारी, अच्छे हाइट में अच्छे फ्रेम में गाइस की झाला पट्टी देख सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ और मेरे चैनल पर अपना हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करो। बकरे तो अच्छे अच्छे आए गाइस, तो वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ और